आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज सेवाग्राम में बापू कुटी में भेंट दी। इस वक्त उन्होंने अभिप्राय लिखते हुए कहा कि बापू के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, भारत की समृद्धि के बारे में बापू के विचारों से ही सोचा जा सकता है। सर्वसमावेशी और मानवीय विकास, समता मूलक सामाजिक संरचना, सभी के लिए अवसर की समानता, सभी विचारों का सम्मान और पूजा पद्धति हमारा मुख्य मंत्र है। आज देश में लागू किया जा रहा गरीब कल्याण एजेंडा बापू द्वारा वर्णित गरीब नारायण की सेवा है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर वर्धा जिले के सेवाग्राम में बापू कुटी का दौरा किया। फडणवीस ने आगे बापू कुटी से नई ऊर्जा लेने और एक मजबूत समाज के साथ एक समृद्ध राष्ट्र बनाने का प्रयास करने का संकल्प किया और सभी को इनमें भाग लेने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि बापू कुटी की हर यात्रा उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए ऊर्जा और नई प्रेरणा देती है। उनके साथ सांसद रामदास तड़स, विधायक नागो गणर, विधायक रामदार अवतकर, विधायक अभिजीत वंचारी, विधायक रंजित कांबले, विधायक दादाराव केचे, विधायक समीर कुंवर, विधायक डॉक्टर पंकज भोयर, मंडलायुक्त विजय लक्ष्मी विदारी, जिला परिषद मुख्य न्यायपालन अधिकारी डॉक्टर सचिन उम्बासे, पुलिस अधीक्षक प्रशांत हेलकर, कलेक्टर प्रेरणा देशभत्तार उपस्थित थे।